मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम बघेल की आज कैबिनेट बैठक है। धान खरीदी कस्टम मिलिंग नीति पर फैसला संभावित बताया जा रहा है। महिलाओं, किसानों, मजदूरों के हित में बड़े फैसले भी हो सकते हैं। सुबह 11 बजे सीएम हाउस में इस बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। तो बघेल की आज कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है सीएम हाउस में। सुबह 11 बजे बैठक का आयोजन किया गया। धान खरीदी कस्टम मिलिंग नीति पर फैसला संभावित बताया जा रहा है, और साथ ही महिलाओं, किसानों, मजदूरों के हित में भी बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो आज सुबह 11 बजे सीएम हाउस में ये बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक में कैबिनेट के तमाम मंत्री शिरकत करेंगे, और इस बैठक में धान खरीदी कस्टम मिलिंग नीति पर फैसला संभावित बताया जा रहा है, और उससे अलग भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। मेरी सहयोगी रायपुर से नेहा हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा, आज भूपेश कैबिनेट की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, कौन कौन से मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है और क्या कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं सीएम बघेल? बिल्कुल, देखिए क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं कैबिनेट बैठक के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आज की जो ये बैठक है काफी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में चुनाव करी है और ऐसे में आचार संहिता से पहले सरकार जो है वो कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा सकती है। तो ऐसे में जो मजदूर वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, महिलाएं हैं, युवा हैं और किसान हैं, उनकी जो निगाहें हैं वो इसी बात पर टिकी हुई है कि कौन से फैसलों पर मुहर लगती है। हालांकि जो महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करते हैं तो धान खरीदी, सरकार ने इस बार जो है लक्ष्य बढ़ाकर रखा है। तकरीबन 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले बार से 20 गुना ज़्यादा है। पिछले बार 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी सरकार ने की थी, तो उसी आधार पर इस बार निश्चित ही धान खरीदी बड़ी तादाद में किया जा रहा है। तो इसकी भी एक रूपरेखा जो है वो सरकार तय करेगी कि किस पर खरीदना। हालांकि छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से इसकी शुरुआत होती है, तो इस पर भी जो है मुहर लगेगी, और कस्टम मिलिंग की जो नीति है उस पर भी जो है वो मुहर लग सकती है। और उसके अलावा और अन्य मुद्दे हैं, कर्मचारियों के भी हम बात करते हैं। तो जिस तरीके से नियमित कर्मचारी हैं जो दोबारा से आंदोलन पर लौट आए, यानी कि इन पर भी जो है ये मुहर लग सकती है। तो हालांकि पूरी तरह से ये बैठक है वो 11 बजे होगी और पूरी मंत्रिमंडल की मौजूदगी में सीएम हाउस में ये बैठक जो है वो होगी। जी बिल्कुल, सुबह 11 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। नेहा हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर जानकारी लीजिए।